हमारी मांग है कि जो बजरंग दल है, देशद्रोही ताकत है, इन पर प्रतिबंध लगे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। पीएफआई क्या है, किस मुद्दे पर? पीएफआई को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है और ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया जा रहा है। यही घर है जिसमें कि 2.5 घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली थी। हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का कुछ प्लान 2047 तक मुस्लिम कैसे डेवलप कर सकता है, किस हिसाब से डेवलप कर सकता है, उसके बारे में उसमें गाइडलाइन। बिहार में जदयू का बीजेपी से गठबंधन टूटना और राजद के साथ गठबंधन करके सरकार बनने के बाद बीजेपी के अंदर किस तरह से खलबली मची है, इसका जीता जागता सबूत आपको पूरे बिहार में देखने को मिल जाएगा। अभी मेरी मौजूदगी है हसनगंज प्रखंड में, और ये वही हसनगंज प्रखंड है जहाँ पर बीते कुछ दिन पहले एनआईए के द्वारा जो है पीएफआई के नेता के घर पर छापेमारी किया गया था। और लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में सरकार टूटने के बाद लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा किसी न किसी आरोप लगाकर ईडी, एनसीबी और एनआईए के द्वारा लगातार उनको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी कड़ी में पिछले कुछ दिन पहले पीएफआई के एक नेता है जिनके घर पर एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी की गई थी, और उस छापेमारी को लेकर आज यहां पर कई सारे नेता आए हुए हैं जो इस छापेमारी की घोर निंदा किए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बलरामपुर प्रखंड से भाकपा माले के वरिष्ठ नेता महबूब आलम जी और उसके साथ में राजद के कई गणमान्य नेता कुंदन यादव समेत बहुत सारे नेता मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर आने का मुख्य मकसद क्या था और पीएफआई के को लेकर जो लोगों के मन में जो भी भ्रांतियाँ है उसका हकीकत जानते हैं कि आखिर पीएफआई क्या है और पीएफआई का क्या मेन मकसद है और ये किस मुद्दे पर काम करती है। अचानक आपका यहाँ हसनगंज जाना दौरा हुआ सर? अचानक नहीं है, बहुत पहले से हम लोग, चूँकि मैं पटना में था और यहाँ एनआईए का छापा डाला गया जो महबूब नदवी के घर में, इसलिए हम लोग लंबे समय से हम लोग का प्रयास था कि वहाँ जाना चाहिए, कोई गए कि नहीं, इन लोग के साथ हम लोग आए कि असल तथ्य क्या है। तो यहाँ पता चला कि कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला है, एक एटीएम, एक आरएसएस को पहचाने इस शीर्षक से एक बुकलेट मिली है उसको, और एक बैंक का स्टेटमेंट वगैरह 5 चीज़ें मिली हैं उनको, ज़्यादा चीज़ उनको मिली नहीं। एक डायरी है और एटीएम का कार्ड है, एसडीपीआई का प्रोग्राम का जो शेड्यूल जो उसका हुआ था वहाँ पूर्णिया में यही था और कुछ नहीं था। सर पीएफआई क्या है, किस मुद्दे पर? पीएफआई को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। पीएफआई वाले अगर कहीं है उन्हीं लोगों को आकर के साफ करना चाहिए कि उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। मुझे अभी तक, जैसे हसनगंज में मैं आया हूँ, हसनगंज की जनता से अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि हसनगंज की जनता का देश के विरोध में कोई गतिविधि चल रही है, कोई देश विरोधी गतिविधि इनकी है नहीं। अब पीएफआई वाले से पूछिए कि क्या है उनका। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बदलने के बाद लगातार ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा साजिश रचा जा रहा है विरोधियों को, विपक्षियों को बदनाम करने के लिए। सरकार बदलने से पहले ही भाजपा ने जनता की छाती पर बुलडोजर चलाने का अभियान शुरू कर दिया था, और आपने देखा जैसे हम लोगों ने बुलडोजर का रुख मोड़ दिया और भाजपा की छाती में बुलडोजर चल गई और हमारा महागठबंधन की सरकार बनी। उससे पहले भी उन्होंने फुलवारी शरीफ को टारगेट करके फुलवारी शरीफ को बदनाम करने की कोशिश की, नापाक कोशिश, जो हम लोगों ने डट के वहाँ मुकाबला किया। हमारा वहाँ जो विधायक है गोपाल रविदास, उन्होंने डट के मुकाबला करके कहा कि यहाँ का जो एएसपी है वो गुंडा है, उस गुंडे से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से लाइक वाइज जिस तरह से हसनगंज में इन लोगों ने हसनगंज के इस मुजफ्फर टोला जो रामनगर बंसी जो गांव है इसका एक टोला है जो शेरशाहवादी लोग सबसे कठोर परिश्रमी किसान होते हैं, इन लोगों की यहाँ छापा मार के पूरे कटिहार जिला का जो भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको तोड़फोड़ करने की नापाक कोशिश की है, जो बिल्कुल कटिहार की जनता डट के मुकाबला करेगी। और पीएफआई क्या है, एसडीपीआई क्या है, हम मानते हैं कि जब तक सरकार ने उनको प्रतिबंधित नहीं किया है तो पीएफआई या एसएफआई, एसडीपीआई या कोई संगठन जनता से तो संपर्क करती है, अपने जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए गोलबंद तो करती है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि जनता को आके सामने बताए और ऐलान करे कि भाई ये सब संगठन देश विरोधी संगठन है, देशद्रोही संगठन है। जनता को कैसे मालूम हो सकता है उसको? तो अब तक तो हम लोग हसनगंज में देखते हैं कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही है जिसे लगे कि देश को तोड़ने की
साजिश हो रही है, देश को तोड़ने की गतिविधि है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लगातार NIA की छापेमारी के बाद बताया जा रहा है कि छापेमारी को लेकर कई सारे अहम सुराग मिले हैं, लेकिन उस सुराग को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, तो कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है और ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया जा रहा है, और यही है। ऐसा कुछ ये नहीं, कुछ सुराग भी नहीं, जैसा बताया गया कि उसमें इनके फादर का, अब्बा का साइन लिया गया, उसमें 5 चीज़ें थी। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो उसको चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी जो है सामने ला करके मीडिया के द्वारा या और भी तरीके से बताया जाए क्या गलत है क्या नहीं है। तो ये हमारे साथ राजद के नेता कुंदन यादव जी थे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यही घर है जिसमें कि पिछले दिन जो है लगभग 2.5 घंटे तक NIA की छापेमारी चली थी, और छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज यहाँ से ले जाया गया है। 2 घंटे तक यहाँ पर छापेमारी चली थी, 2.5 घंटा छापेमारी चली है, 4। तो क्या कुछ छापेमारी की गई? छापेमारी में उसमें आधार कार्ड मिला है और एक डायरी हम लोगों का घर का हिसाब किताब था, जो डायरी मिली है, दस्तावेज यही है, एक डायरी मिली है और एक ATM कार्ड लेके गया, और अकाउंट वगैरह का जांच पड़ताल किए, अकाउंट में 2000 रुपया था, यही सब मिला, खास और कुछ नहीं था। तो आपको कुछ इस संगठन के बारे में पता होगा कि ये किस? जी बिल्कुल पता है, किस मुद्दे पर कार्य करते हैं? हमको जहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है, लोग सोशली काम करते हैं जी। जो भी है, दबे कुचले लोग, कुछ स्टूडेंट को स्कॉलर देना, स्कॉलरशिप देना, पैसा देना, ये सब काम अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इसके बारे में कई सारे भ्रांतियाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये एक इस्लामिक संगठन है और जिसमें कि युवाओं को आतंकी जो है संगठन में जुड़ने का ट्रेनिंग देता है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल अफवाह है। ये आने के बाद कई लोग जिसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं, कुछ कुछ सेंटर है, लगभग 40 सेंटर ऐसे हैं जिसमें अधिकतर जो टीचर्स हैं इसमें जो पढ़ाते हैं हिंदू भाई हैं। फुलवारी शरीफ में जो जांच के दौरान 7 पन्नों के दस्तावेज मिला था जिसमें कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का कुछ प्लान था, तो इसके बारे में क्या? बिल्कुल वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है। 2047 के बारे में लिखा एक सच्चर कमेटी की शायद रिपोर्ट थी, उसी को लेके 2047 तक मुस्लिम कैसे डेवलप कर सकता है, किस हिसाब से डेवलप कर सकता है, उसके बारे में उसमें गाइडलाइन है कि मुसलमान कैसे कैसे डेवलप कर सकता है, क्या क्या सरकार को आगे आके मुस्लिम, मतलब अभी SC ST से भी हालात मुसलमानों की ख़राब है, जो एक रिपोर्ट आई थी कांग्रेस की, उस रिपोर्ट के बारे में एक बुक ऑलरेडी छपी हुई है। ये बिल्कुल प्रोपगेंडा है और एक साजिश के तहत इस तरह का पन्ना बनाया गया कि मुस्लिम राष्ट्र इस तरह की, बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे थे कि PFI क्या है और इसका क्या मकसद है, और लगातार PFI को लेकर जो है बड़े बड़े चैनल्स में और कई सारे लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई है, उन सभी को जो है यहाँ के PFI के नेता ने उन सबको बेबुनियाद बताया है, और इनका कहना है कि PFI एक ऐसा संगठन है जो कि मुसलमानों और दलितों के हक के लिए लड़ती है, और उनका जो भी हक है उनको देने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे जो भाकपा माले के नेता थे उन्होंने बताया कि ये जो है लगातार मुस्लिमों को जो है बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये वही घर है जिस पर कि लगभग 4 घंटे तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है छापा पड़ा था, और छापा के दौरान कुछ अहम दस्तावेज नहीं मिले, हालांकि घर के जो लोग हैं उनका कुछ आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत कुछ स्टेटमेंट यहां से ले जाया गया है, और इसके अलावा अगर किसी अहम कागजात के बारे में की जाए तो इस तरह का किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला है। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार रॉय, दर्पण लाइव TV समाचार, कटिहार।